Hello friends, this is Sachin and welcome back to English Future Day 9. आज डे 9 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ how to introduce yourself. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है, tell me about yourself. तो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें वही मैं आपको बताने जा रहा हूं. फर्स्ट पॉइंट है वो है ग्रीट. सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून के साथ शुरुआत करेंगे. देन सेकंड है पर्पस. फिर आप बोलेंगे पर्पस. आपको स्टार्ट करना है टुडे से. फर्स्ट आपने बोला गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और ये जो इंट्रोड्यूस है ये आपका एक ग्रुप में इंट्रोड्यूस, जैसे कि ग्रुप में कुछ लोग हैं, मे बी 10 से 12 या 15 20 जितने भी है, लेकिन ग्रुप के इंट्रोड्यूस के लिए आपको मैं ये पॉइंट्स दे रहा हूं. फर्स्ट पॉइंट आपने गुड मॉर्निंग से बोला, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको बोलना है टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सेकंड पॉइंट में आपको ये बोलना. थर्ड पॉइंट में यू हैव टू टेल योर नेम. फॉर एग्जाम्पल आई एम सचिन या फिर माई नेम इज सचिन. थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ पॉइंट इज फैमिली. फैमिली में कितने लोग हैं फैमिली में आपको मिलाकर, तो आप बोलेंगे देयर आर 6 मेंबर्स, 5 मेंबर्स इन माय फैमिली. ओके, इसके बाद आप बताएंगे अपना एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं. जैसे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन नोएडा, जहां भी आप रहते हैं. देन आपका आता है 6 पॉइंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन. मीन्स कि आपने कितनी एजुकेशन की है, कितनी आपने स्टडीज की है, वो आपको बताना है एड्रेस के बाद. अब सपोज करो आप ग्रेजुएट हो तो आप बोल सकते हैं कि आई एम ग्रेजुएट, या फिर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, अपने हिसाब से आपको बोलना है. आपने ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो भी आप हो, आपको यहां बोलना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर. स्टार्ट करेंगे यहां से. देन आपका एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस मीन्स कि आपने कभी जॉब की है या नहीं. अगर आपने जॉब नहीं की तो आप बोलेंगे इफ यू आस्क माई वर्क एक्सपीरियंस आई एम फ्रेशर. इट मीन्स मैं फ्रेशर हूं, मैंने कभी जॉब नहीं की है. और अगर आपने कभी जॉब की है तो कैसे बोलना है, आप बोलेंगे आई हैव. आई हैव के बाद यहां पे मंथ्स या इयर्स, आपने कितने महीने जॉब की है या कितने साल जॉब की है, आप यहां फिल करेंगे. जैसे कि मैंने सपोज करो मैंने या किसी ने भी 6 मंथ्स जॉब की है तो बोलेगा आई हैव 6 मंथ्स, या 6 साल 5 साल जॉब की तो बोलेगा आई हैव 5 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस एज ए. के बाद आपका पोस्ट नेम, मतलब आपने किस पोस्ट पर काम किया है. फिर विद के बाद कंपनीज नेम, मतलब आपके जहां भी आपने जॉब किया उस कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आप यहां फिल करेंगे. सपोज मैंने किसी स्कूल में पढ़ाया है और 3 साल पढ़ाया है तो मैं बोलूंगा आई हैव 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस एज ए इंग्लिश स्पोकन ट्रेनर विद एक्स वाई जेड स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है. फिर इन ईस्ट दिल्ली या इन कोई सी भी दिल्ली हो या कहीं से भी एड्रेस हो, वो आपको बोलना है विद के बाद कंपनी का नाम और एड्रेस के साथ. उसके बाद आपका स्ट्रेंथ आता है. स्ट्रेंथ में जैसे मैंने पॉइंट लिखा है डेडिकेशन टू वर्क इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ. आप इसके अलावा अपना कोई पॉइंट भी बोल सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इज माई स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ, या फिर पंक्चुअलिटी, जो भी आपको कंफर्ट लगे आप वो बोल सकते हैं. लेकिन एक्सपीरियंस के बाद आप अपना स्ट्रेंथ बताएंगे जो आपको कंफर्ट लगे अपने हिसाब से, वरना मैंने पॉइंट दे दिया आप इसको भी यूज कर सकते हैं. लैंग्वेज नॉन, आपको कितनी भाषाएं आती है, इसमें 2 आती है 3 आती है, उसके हिसाब से आपको बोलना है. फर्स्ट मैंने लिखा आई कैन स्पीक एंड राइट हिंदी एंड इंग्लिश फ्लुएंटली. और आपको अगर 3 भाषाएं आती है तो आप वो भी बोल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. जैसे मैं, मुझे तो इंग्लिश और हिंदी आती है तो मैंने इंग्लिश और हिंदी लिखा है. आप अपने हिसाब से भी इसमें लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं. ओके, अगला पॉइंट है हॉबीज. हॉबीज में जो भी आप पसंद करते हो, जैसे कि उसको स्टार्ट करेंगे आई लाइक से. जैसे कि मैंने लिखा आई लाइक टीचिंग, रीडिंग बुक्स, डांसिंग, मीटिंग पीपल, लिसनिंग टू म्यूजिक. आपको जो पसंद है आप वो बोलना.
ये तो मैंने ऐसी आपको एग्जाम्पल के लिए लिखे है, लेकिन आपको अगर सपोज करो आपको किताबें पढ़ना और टीवी देखना पसंद है तो आप बोलेंगे आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग टीवी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव, मीन्स आप क्या बनना चाहते हो। तो आप स्टार्ट करेंगे आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल, उसके बाद जो भी आपको बनना है सक्सेसफुल टीचर एन इंजीनियर जो भी आप बनना चाहते हैं आप यहाँ पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि सपोज करो मैं एक फेमस एक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल फेमस एक्टर। ओके देन एंडिंग कैसे करेंगे आप, दैट्स ऑल अबाउट मी एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली। इस तरह से आप अपना एंडिंग करेंगे। इंट्रोड्यूस के पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट, आपको इस तरह से अगर आपने इसको लर्न किया तो एक बात तो पक्की है कि आप कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में घबराएंगे नहीं। सो प्रैक्टिस कीजिए पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से, जैसे मैंने जो भी पॉइंट्स मैंने दिए आपको इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। प्लस आप अपने आई कॉन्टैक्ट प्लस बॉडी लैंग्वेज क्या हो वो भी ध्यान में रखें। सपोज करो आप अगर ग्रुप में खड़े हैं तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आई कांटेक्ट देख के ही अपने इंट्रोड्यूस देंगे। फर्स्ट पॉइंट जो ग्रीट था उसको स्टार्ट करेंगे आप गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंट्रोड्यूस ये ग्रुप में बता रहा हूँ, और अगर कभी आपको इंटरव्यू में आपको देना है तो इंटरव्यू में क्या होता है कि सामने एक या दो ही लोग हो सकते हैं, तो आप सीधा अपना नाम से भी स्टार्ट कर सकते हैं ऊपर के दो पॉइंट ना बोलकर, और अगर वो नाम जानते हैं तो सीधा आप अपना वहां से स्टार्ट करना देर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं। सो आपको मैं एक बार छोटा सा डेमो दिखा रहा हूँ कि कैसे इंट्रोड्यूस आप करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज सचिन, देर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, आई लिव इन दिल्ली। ये 5 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आपने 6 पॉइंट 7 पॉइंट ऐसे आपको लास्ट तक ले जाना है। सो यही था आज की हमारी क्लास में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड प्लीज हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ सबसे अच्छी बात है कि मुझे लोगों से अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं और लोगों को मेरी टीचिंग वे पसंद आ रहा है। और थैंक्स फॉर दिस एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।